गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं अभी घर में हूँ। इसके बाद मुझे आज गुड़िया गाड़ना खेत में। आज रात में खेत में हमारे लील गाय बहुत परेशान किया, खेतों को चरे भी और इतनी लील गाय आ गई थी कि शायद मेरे जो मैं गुड़िया गाड़ रखा था वो गुड़ियों को छलांग लगा कर लगा के इतना तोड़ दिए है कि शायद 10-12 गुड़िया मेरे टूट चुकी हैं। आज मैं खेत में गुड़िया गाड़ूंगा और काफ़ी मेहनत का काम रहेगा क्योंकि गड्ढा खोदना है, उसके बाद फिर वो गुड़िया गाड़ना, तार को खींचना है। तो देखिए जैसे मेरा ये घर है, मैं ऐसे घर में निवास करता हूँ। मैंने आपसे पहले बता दिया कि मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, किसानी करता हूँ, कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। चलिए चलिए दोस्तों, हम रेडी हो चुके हैं और खेत की तरफ चलते हैं और सेबरी ले लेते हैं ताकि गड़वा खोदने के लिए आराम हो जाए। सेबरी से गड़वा खोद लें, देखिए ये सेबरी हमारी ये ऐसी, और इसमें से हम गड़वा खोदेंगे ये। तो ऐसे रख लेते हैं, अब हार की तरफ चलते हैं और हम साइकिल ले लेते हैं ताकि हमारा घर बहुत दूर है तो इसलिए साइकिल से ज़्यादा आराम होगा, क्योंकि चलने में बहुत दिक्कत हो जाती है, 4-5 किलोमीटर पड़ जाता है, इसलिए साइकिल से जाना पड़ता है हमके घर। तो साइकिल ले लेते हैं, चलते हैं फिर। ये हमारी साइकिल है ये, और साइकिल से हम हार जाते हैं। और ये देखिए बगल में हमारा ये कड़ैल का पेड़ है, ये ऐसे दिख रहा होगा, ये पुष्प चढ़ाने के लिए है, भगवान पूजा करने के लिए। मेरी माता जी पूजा किया करती तो इसलिए ये पेड़ मैं लगा दिया था। तो चलिए थोड़ा मिट्ठू से मिलने इसके बाद भी चलते हैं, क्योंकि ये नहीं तो बहुत परेशान हुआ करता है, हम तो दिन भर के हारे चले जाते हैं और फिर ये परेशान हुआ करता। मिट्ठू चलना है, हारे चलना है, ठीक है यहीं पर रहना, ठीक। चलिए देख रहे होंगे वो पीछे वो बैलगाड़ी है, वो पहले बैलगाड़ी चला करती थी। ये साइकिल ले लेते हैं और चलते हैं हारे। तो जैसा कि हम हारे जा रहे हैं अब साइकिल से, और देखिए घाम भी बहुत ज़्यादा है इसलिए धूप भी लग रही है। जैसा कि हम हार से घर से 3 किलोमीटर चल चुके हैं और ये धूप बहुत थी तो हमने ये सोचा कि ये देख रहा होगा आपका, ये महुआ का पेड़ है, तो महुआ के पेड़ में हम बहुत अच्छा ठंडक महसूस किया और बहुत अच्छी छाया थी, तो इसलिए हमने रुक गए हैं। मैं साइकिल भी अपनी खड़ी कर लिया हूँ, साइकिल के ऊपर खड़ा भी हूँ, और ये देख रहे होंगे बगीचा है तो बहुत अच्छी धूप है, छा है और धूप तो बहुत तगड़ी है। धूप को तो मैं कह नहीं सकता कि इतना तगड़ी है कि शायद मेरा सिर फट रहा है, इतनी धूप है, आंखें नहीं काम कर रही, इतनी धूप ही समझ लो, इतनी मेहनत पड़ती किसानी में। किसानी जीवन बहुत संघर्ष का होता है भैया, इसीलिए कहते हैं ना दो पैसा कम मिले लेकिन छाव का काम हो, लेकिन किसान की ज़िंदगी बहुत बुरी होती है, बेचारा कैसे किसान करता है, घामों में कैसे निराता घोड़ता है। देखिए आज मैं धूप की वजह इतनी सारी धूप थी कि मुझे साइकिल रोकना पड़ा, क्योंकि इतनी धूप में मैं साइकिल नहीं चला पाया था और 3 किलोमीटर आ चुका हूँ घर से, और अभी मेरा 2 किलोमीटर हार बचा है, तो अब 2 किलोमीटर जाने के लिए अभी सता लूँ, इसके बाद फिर मैं जाऊँ हारे अपना गाथने, थोड़ा शरीर में तो ठंडक भी आ जाएगा, अच्छा लगेगा माहौल भी। तो ये हम बहुत अच्छा सुनहरी हवा भी चल रही है तो इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। मित्रों हम अब अपने खेत में आ चुके हैं और देखिए धूप बहुत ज़्यादा, मेरी आँखें नहीं काम कर रही, बंद करना पड़ता इतनी धूप ही समझ लो। अब हम गुड़िया को अब गाड़ेंगे, गुड़िया लेंगे और कैसे खेत में रखी है, और इसके बाद हम ये अपनी सेबरी साइकिल में लाए हैं और सेबरी को लेकर के और गुड़िया को गाड़ेंगे। चलिए तो दोस्तों हम अपने खेत पे आ चुके हैं और ये बगल के हमारे जो किसान थे तो इनका मायरा भी बना है और कहा थे नहीं अपने मायरे में कहा थे नहीं पड़े हुए हैं। देखिए धूप बहुत ज़्यादा है, ये बाबा जी देख रहे होंगे आप, ये ऐसे ज़िंदगी है इनके, देखो कैसे पड़े हुए हैं, ये ऐसे बेचारे मायरा बना है और ऐसे ये अपना निवास कर रहे हैं। देखिए गांव में बाबा जी कैसे हैं आप? काम मरी था। अच्छा ठीक है, अगर घाम धूप बहुत ज़्यादा है ना, हाँ। तो हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी है ना, किसानों की क्या है। तो चलिए अब हम गुड़िया गाड़ देते हैं। जैसा कि हम आप गुड़ियों को अपने उठा लें और इसको रख लें ऐसे, और इसके बाद फिर हम गाड़ने चलते हैं, ऐसे रख लेते हैं और इसको एक और रख लेते हैं। चलिए बनता भी नहीं है, क्या करें दूर पड़ता है, ऐसे अब रख लेते हैं।
ऐसे अब चलते हैं गुड़िया गाड़ लेते हैं। चलिए धूप है तो क्या है, हम ऐसे ही मेहनत करते हैं। चलिए